रहा दादा पाउडी। नवीन भाई को हल्दी में डुबाने का है। हाँ। और क्या करना है? हेलो नमस्कार बड़े पाने विकास गुप्ता एंड यामोशन को ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग ने कल का वीडियो देखा रहेगा तो उसमें समझा रहेगा कि मैं बहुत लेट आया हूँ तिलक से, और हम लोग बहुत लेट उठे एक्चुअल में भी, क्योंकि बहुत थक गए थे, सब लोग बहुत थक गए थे। एंड आज हम लोग जाने वाले थे ईडन गार्डन, बट यहाँ पर कोलकाता में आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत जोर का बारिश हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसकी वजह से प्लान चेंज करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते वहाँ पर ईडन गार्डन पर, क्योंकि यहाँ के लोकल्स वगैरह जो होता है वो लोग नहीं बोला कि वहाँ पर जाने के लिए जो भी ट्रैवलिंग करते हैं मतलब गाड़ी वगैरह रहेगा वो बंद हो जाता है क्योंकि बारिश हो रहा है। तो हम लोग का प्लान ये है कि अब लोकल जो होगा, लोकल में जो देखना रहेगा देखेंगे, लोकल वगैरह में जो गांव वगैरह जो है यहाँ का, यहाँ पर घूमते देखते। और तो अभी मैं और राहुल निकल चुके हैं थोड़ा लोकल देखने के लिए, क्योंकि अब भी बारिश जाके रुका है। अभी थोड़ा शाम को हम लोग रेडी हुए और हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग अगर देखोगे तो मौसम बहुत ही सही हुआ है, सब बादल क्लाउडी है। यह देखो यहाँ पर पूरा बारिश हुआ था, यहाँ पर पूरा बहुत बहुत जोर जोर की बारिश हो रही थी। तो मैं और राहुल जा रहे हैं एक जगह पे, मतलब लोकल में ही है, राहुल ने पता किया है, वो बहुत फेमस जगह है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आएगा, कलकत्ता का सबसे फेमस बिरयानी वहाँ पे मिलता है, दादा बाउडी बिरयानी। दादा बाउडी बिरयानी हम लोग जा रहे हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, इतना फेमस बिरयानी। अभी हम जाते हैं, लेके आते हैं, देखते हैं कैसा है। हाँ, ट्राई करते खा के देखते, क्योंकि वो लोकल में ही मिल रहा है, यहाँ पर ही नजदीक में ही है। वो एक ही है, उसका ब्रांड, उसकी ब्रांडिंग अलग अलग जगह है लेकिन वो एक ही है, यहाँ पे ही है वो, कलकत्ता में, और कहीं पर नहीं चलता है, बहुत फेमस है। चलते फिर वहाँ पर आगे से सामने से जाते देखते, पता करते कि कैसे जाना है, कहाँ है। राहुल को तो पता है कैसे, इसने एक दिन ट्रैवल किया था, देखा था, जिस दिन ये हम लोग के साथ नहीं आया था उस दिन ये लोकल घूम रहा था पूरा। तो अभी आगे बढ़ते चलो। दादा बाउडी किधर है? दादा बाउडी आपका बैरकपुर, बैरकपुर, बैरकपुर में ही है, थोड़ा सा वहाँ चलते दिखते। तो हम लोग ने अभी अभी रिक्शा से उतर गए, 15 रुपीज फेयर था, 15 रुपए एक जन का सीट के हिसाब से। तो अभी आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने बोला थोड़ा सा आगे ही है, तो वहाँ पर चलते देखते और लेते हैं। तो ये रहा दादा बाउडी बिरयानी कॉर्नर, यहीं पर मिलता है सब कुछ जो बहुत फेमस है, बहुत जगह से आते हैं ऐसा मैंने सुना है। और हम लोग लेते हैं यहाँ से, खरीदते हैं और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। अभी हम लोग ने दो ऑर्डर दिया है, दो चिकन बिरयानी और दो मटन बिरयानी, इधर से अभी पार्सल देंगे। तो ये रहा हमारा बिरयानी, रेड में है चिकन और वाइट में है मटन, तो हमने ले लिया है। अब निकलते हैं, क्योंकि बारिश वापस से शुरू हो गया है, बारिश होने लग गया है वापस, अभी निकलते हैं फटाफट। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा बड़ा हंडी ये लोग बना रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा है, देखो वहाँ पर निकल रहे हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पार्सल कर रहे, डब्बा भर भर के फटफट, और इस भट्टी पे बना रहे हैं इन लोग यार। आप लोग ने देखा रहेगा यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टोप में बनता है, लेकिन अभी बहुत बारिश आ रहा है तो फटाफट निकलते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ से, नहीं तो फिर फंस जाएंगे यहीं पर। कुछ भी नहीं, छाता वगैरह हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसको निकल रहे थे भाई उड़ा, ठीक है क्या मालूम थे। अरे इधर हम लोग आए थे बैरकपुर पे, बैरकपुर, हाँ नहीं इधर नहीं आएगा, यहाँ पर भी सेम ऑटो स्टैंड है, जैसे अगर आप लोग ने पीछे देखा तो यहाँ पर सेम मुंबई के जैसे ही ऑटो स्टैंड वगैरह है, यहाँ पर सीएनजी पे नहीं चलता है। क्या बोला? ब्रह्मस्थान। हमारे मुंबई में जैसा मिलता है वैसे ही सब है यहाँ पर ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा वेरी करता है। यहाँ पर देखो ईटा वीटा पे खाना बनाते हैं, ईटा वगैरह यूज करके। ब्रह्मस्थान, हाँ इसमें, हाँ
आगे हम लोग कितनी तक है, कितना हो गया? 30। राहुल पेमेंट कर रहा है, 30 रुपये लगा हम दोनों का वापस से। जाते हैं, निकलते हैं वापस से अपने घर के लिए जहाँ पर हम लोग रुके हैं, हमारे नवीन भाई के घर पे, वहाँ चलते हैं, वापस से चलते आगे बढ़ते। ये गंगा घाट और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर और यहाँ पर होता है बॉडी को जलाते हैं, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली आप लोगों ने देखा कि अभी ये गंगा घाट है, यहीं पर ना जो बॉडी लाश होता है उसको जलाया जाता है और बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पर, एक साथ बहुत लोगों का आएंगे तो अच्छा आएंगे तो ऊपर जाएंगे। आप लोगों ने देखा तो ये गंगा घाट था पीछे मेरे और यहाँ पर बॉडीज को जलाते हैं, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा ना गंगा घाट पे जलाते ही हैं वैसा ही है यहाँ पर। और यहाँ पर कैसा एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में 14 डेड बॉडीज को जलाया जाता है जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर रूरल एरिया है, यहाँ पर कैसे रहा जाता है। बस्ती के बाजू में ही सब लोग, मतलब ट्रेन पैक के बाजू में ही रह रहे। 2 hours later ये दूल्हे का चल रहा है यहाँ पर मेहंदी सेरेमनी और यहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। क्या लगा रहे? मेहंदी लगा रहे। और ये देखो दीदी इनको खाना खिला रही, ये कुछ काम के नहीं रह गए अभी, सिर्फ हाथ भी हाथ ऐसा करो नवीन भाई दिखाओ। किधर लिखा है लड़की का नाम क्या है, किधर लिखा है? ये ये देखो सब लोगों को दिख गया नवीन और लड़की। हाँ नवीन भाई कल का क्या प्रोग्राम है, क्या बोल रहे हो, कितने बजे उठना है? पाँच बजे उठने का है बाबा, 5 बजे उठना है। सुबह 5 बजे उठने का, हल्दी लगाने का फिर नवीन भाई को ऊपर हल्दी में डुबाने का, नवीन भाई को हल्दी में डुबाने का है। और क्या करना है? पटकना है क्या? पटकने का। हाँ ठीक है फिर नवीन भाई को कल बोल पाएंगे। झूठ बोला रात तक स्पीकर नहीं रहेगा, लेकिन स्पीकर आया है। स्पीकर ये रहा, ये बंदा बैठा है स्पीकर के ऊपर। तो होगा आज फिर से, कल भी होगा डांस एकदम धमाकेदार। तो अगर आप लोग ने आज देखा रहेगा पूरा वीडियो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो आज कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बारिश हुआ और हम घर पे ही थे बस, और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत गए, जो भी फिर से बारिश आ गया तो रिटर्न आ गए, बारिश स्टार्ट हुआ तो रिटर्न आ गए, और कुछ नहीं हुआ। आज पूरा दिन बारिश हुआ, बहुत जोर की बारिश हुई है। तो इसी के साथ मैं आज यहाँ ही ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ कल, कल के नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग के साथ मैं अवेलेबल हो जाऊँगा कल वापस। कल यानी कि जब भी ये ब्लॉग आएगा तब आप लोग के लिए, मेरे लिए कल, क्योंकि मैं कल वापस से ब्लॉग बनाऊँगा ये वाला। तो तब तक के लिए देखते रहो सिक्कू ब्लॉग्स और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तब तक देखते रहना सिक्कू ब्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय।